तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सालासर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 65 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 17 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर पीछे में सपोर्ट लेवल था 18 रुपए 30 पैसे पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो वहां पर स्टॉक ने एक नया लो बनाया 17 रुपए 25 पैसे का और यहां से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला। ऊपर में स्टॉक 18 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट भी दिया पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में फिर से एक करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक नीचे में 17 रुपए के प्राइस को रिटेस्ट करता है। अब यहां पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम बन चुका है और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक के अंदर जो ऊपर में एक रुकावट रेंज है वो 18 रुपए पर देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 17 रुपए का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 18 रुपए और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 20 रुपए तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 18 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक इस रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस नहीं करता जब तक स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।